हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ई टैब ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, असाइन प्रॉपर्टी, कैंटिलीवर स्लैब एंड कॉलम ओरिएंटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असाइन प्रॉपर्टी। अभी तक के ट्यूटोरियल्स में हम मॉडलिंग करना तो हमें आ गया, फिर ये असाइन प्रॉपर्टी दोबारा क्यों? दरअसल होता क्या है कि हमने कोई स्ट्रक्चर या किसी भी चीज़ की मॉडलिंग की और बाद में हमें याद आया कि इस कॉलम या बीम या स्लैब को, किसी भी एलिमेंट को, हमें दूसरी प्रॉपर्टी देनी थी या बाय मिस्टेक हमने कोई और प्रॉपर्टी दे दी है, तो हम बाद में भी असाइन कर सकते हैं। जैसे कि इस कॉलम को, स्टील कॉलम है ये, इसके ऊपर लिखा हुआ मैं इसको कुछ और प्रॉपर्टी असाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया असाइन फ्रेम, क्योंकि ये बीम और कॉलम फ्रेम के अंदर आते हैं। यहाँ आता है सेक्शन प्रॉपर्टी, ये पहले से डिफाइन है या आप एक नई डिफाइन करोगे तो आ जाएगी, और मैं चाहता हूँ इसे ग्रेविटी कॉलम ये वाली प्रॉपर्टी आ जाए। तो देखिए ये प्रॉपर्टी आ चुकी है इसको। तो उस तरह से हम कोई भी बीम, कॉलम, स्लैब और किसी भी चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, प्लस एडिटिव कर सकते हैं। मान लीजिए ये स्टील कॉलम है आपका, ग्रेव कॉलम, ग्रेविटी कॉलम, इसको सेलेक्ट किया, असाइन किया फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टी, और हमने ये लिया था। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसको अगर एडिट करना है, इसकी प्रॉपर्टी को स्पेशली जो इसको दी गई है, तो हमें डिफाइन में जाके फ्रेम सेक्शन में जाना होगा। अब यहाँ पे हमें डबल क्लिक करना होगा, ग्रेविटी कॉलम डबल क्लिक किया, इसकी विंडो खुल गई। अब जो चेंज करना है इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका असाइन। नेक्स्ट है कैंटिलीवर स्लैब। देखिए हम प्लान में जाते हैं। एक तो आप रफली आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ आपने जॉइंट में क्लिक किया और ये आपने एक स्लैब बना दी, कैंटिलीवर स्लैब हो गई है। देखिए जी कैंटिलीवर स्लैब। या फिर ऐसा कर सकते हैं आप कि आप जब आपने ग्रिड डिफाइन की थी तो जितना कैंटिलीवर आप रखना चाहते हो उतने की ये ग्रिड भी डिफाइन कीजिए, जहाँ भी आप रखना चाहते हैं, और फिर इस वाले ऑप्शन से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ स्लैब बनती जाएगी। तो ये था आपका कैंटिलीवर स्लैब ऑप्शन। नेक्स्ट था आपका कॉलम ओरिएंटेशन। जैसे कि ये कॉलम है आपका, देखिए ये यहाँ पे इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल ऐसे है, मैं चाहता हूँ दूसरी डायरेक्शन होता है, यहाँ पे हमें एंगल डालना होता है। मान लो 90 डाल दिया मैंने, तो ये देखिए, या मैं बना देता हूँ 30, ये देखिए, ऐसे भी आप इंक्लाइन कॉलम बना सकते हैं। तो ये था कॉलम ओरिएंटेशन। ये तीन टूल्स के बाद अब हम चलेंगे सीज़मिक स्टैटिक एनालिसिस, और उसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आज के बाद से, लंबी लंबी और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड होंगी, तो देखना ना भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।